ये रेड बीच है, रेड बीच मिट्टी यहाँ का पूरा लाल है, इसलिए उसका नाम रेड बीच पड़ा। सिर्फ कितने जगह का ही नाम रेड बीच है। मैं उसके टापू पे खड़ा हूँ, जाने का रास्ता उधर से व्हाइट बीच, रेड बीच। और ये टापू में हम रस्सी है, ऐसा डरने वाली बात नहीं है। इधर से भी आ रहा है। ये जो है ना, ये जो एक्रोतिरी है ना, एक्रोतिरी म्यूजियम, उसके पास में ही है। तो वो हम लोग एक्रोतिरी पहले निपटा फिर इधर आए। बीच वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं है, दस भी रहा है। उधर नहीं जाऊँगा, उधर जाने का मतलब ये ऊपर ही जाने का टाइम इसको, और नहाना है नहीं। ये जो है ना, जो जगह है, पैदल जैसे चल रहा हूँ, वो पत्थर को देख के लग रहा है कि ये वॉल्केन वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे भट्टी से किसी को निकाल के लोहा को रख दिया है। इधर के चट्टान जो है ना, एकदम रॉक है, एकदम मतलब भव्य है, एकदम लोहा टाइप का पत्थर है। इसी रास्ते से मैं आया था, तो वापस जा रहा हूँ। इधर रुकने कोई मतलब नहीं, और मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बीच का मतलब रेत वेत समझ रहा था, लेकिन उतना रेत नहीं है, चट्टान ज़्यादा है, थोड़ा बहुत रेत है। और लाल कलर है तो इसलिए रेड बीच है, वाइट कलर है इसलिए वाइट बीच है, अदरवाइज़ यहाँ पर नॉर्मली जो है ब्लैक में ही रहता है। और सबसे अच्छा बीच जो था, जो पेरिसा का था, वो मैंने पहले देख लिया। वो 3 किलोमीटर लंबा है, यहाँ का सबसे बड़ा है, सबसे अच्छा है। बाकी यहाँ पे तो मुश्किल से ही है, 200 मीटर भी बीच नहीं होगा मैक्सिमम, जो रेड बीच है। ठीक है, लेकिन होता ये चट्टान वट्टान देख के समझ में आता है क्या है करके। इधर कुछ लेके आओ भाई, यहाँ पे जो है ना खाने पीने का सब चीज़ महंगा है, बाकी जगह से मैंने कंपेयर किया, क्योंकि इधर ज़्यादा लोग आते नहीं, और थोड़ा सेपरेट पड़ जाता है। नाइन्टी फाइव परसेंट लोग क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। हर जगह आपको चर्च मिल जाएगा, लेकिन इनका चर्च की खासियत ये है कि इनका डिज़ाइन एकदम अलग है। इसको देख के आप कहीं से भी बता सकते हैं कि ये ग्रीक का चर्च है, ग्रीस का। ऐसा मतलब अलग टाइप का, मतलब गोल गोल रहेगा और वाइट कलर में रहेगा, और वाइट के ऊपर में ब्लू कलर का इनका दीवार, खिड़की, दरवाजे सब ब्लू कलर में रहेंगे। तो इनका टिपिकल आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है। और वाइट और ब्लू जो है ना, ग्रीस का जो फ्लैग है उसका भी कलर है, वो भी एक सिंबल है।
वापस निकलता हूँ मेन फिगा के फिरा की तरफ, वो मेन जंक्शन है, वहाँ से कुछ सोचेंगे।